बड़ी खबर है दिल्ली से, बड़ी जानकारी। सीएम मनोहर लाल, प्री बजट की जो बैठक है वो लगातार जारी है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। प्री बजट पर चर्चा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये चर्चा अपने आप में काफी खास है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। बीजेपी किसान मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट पर वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साधना, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली से प्री बजट बैठक जो है वो कर रहे हैं। वर्चुअल तौर पर ये बैठक जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में वर्चुअल तौर से जुड़े हैं। और बीजेपी किसान मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ समेत कई प्रकोष्ठों के विभागों के पदाधिकारी इस बैठक से जुड़ेंगे। और तमाम, जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री की पहल रही है कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो प्री बजट में अपनी जो राय है वो दे सकते हैं, अपना मशवरा है वो दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक अनोखी पहल है, जिसके चलते जब भी प्री बजट होगा उसमें तमाम लोगों से राय मांगी जाएगी कि किस हिसाब से ये बजट हो सकता है, किस वर्ग के लिए क्या काम किया जा सकता है। अगर उस वर्ग की जो राय है अगर बैठक में जो दी जाएगी या फिर तमाम जो लोग हैं वो देंगे, तो उसको प्री बजट बजट के समय जो है उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। अगर कोई सलाह या कोई मशवरा मुख्यमंत्री को पसंद आता है बतौर वित्त मंत्री, तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो राय जो दी जाएगी वो बजट में भी शामिल उनको किया जा सकता है। तो उसको लेकर प्री बजट मीटिंग आज दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो कर रहे हैं। रवि, से पहले जब सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट की जो बैठक जब की थी, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जो बजट इस बार जारी किया जाएगा वो लोकतांत्रिक होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि हर किसी की सलाह ली जाएगी, हर किसी की राय ली जाएगी। क्या लग रहा है आपको, इस बार का जो बजट जारी होगा वो कितने लोगों को राहत दे सकता है? बिल्कुल साधना, देखिए जब बजट पेश किया जाएगा तो उससे पहले तमाम महकमों के साथ प्री बजट चर्चा है वो की जा रही है लगातार। सोमवार को भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, सोमवार को मुख्यमंत्री की बैठक है 11 बजे हरियाणा निवास में, उसमें भी जो है पंचायत विभाग के साथ प्री बजट पर चर्चा होगी। तमाम विभागों के साथ बारी बारी से जो है प्री बजट चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं, लोगों के सुझाव ले रहे हैं क्या सुझाव हो सकता है। तमाम एमपी जो है, एमएलए जो है, उनको पत्र जारी किया गया है कि आप अपने सुझाव भेजिए, अगर आपके सुझाव जो है बजट में रखने योग्य होंगे तो उनको जरूर बजट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और रही बात बजट सत्र की, तो 2 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है वो लोगों को राहत देने वाला हो सकता है। किसानी की बात करें तो किसानी में जो है अलग से जो एक बजट है वो जारी किया जा सकता है। फिर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी कुछ इंप्लीमेंट अलग से किए जा सकते हैं। तमाम वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बार का बजट जो है वो जारी किया जाएगा। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।